नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं घुटनों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, कैल्शियम की कमी, यूरिक एसिड और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से बचने का सफल टेस्ट और घरेलू उपायों के बारे में। जी हाँ, घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे जटिल जोड़ है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ अक्सर लोग घुटने के दर्द से ग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी घुटने में दर्द के साथ सूजन भी रहती है। जब यह दर्द अधिक हो जाए तो छोटे मोटे रोजमर्रा के कार्य भी मुश्किल हो सकते हैं, जैसे कि हल्का वजन उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना या थोड़ी दूर पैदल चलना। हो सकता है कि पहले आपको सिर्फ एक ही पैर में दर्द हो, परंतु थोड़े समय के बाद दोनों घुटनों में दर्द होने लगेगा। जी हाँ, घुटने में अनेक कारणों से ऐसा दर्द हो सकता है। अगर सही समय में जाँच हो जाए तो ये संभव है कि उचित उपचार से या तो आप पूरी तरह से दर्द से निजात पा सकते हैं, नहीं तो कम से कम रोग को आगे बढ़ने से रोका तो जा ही सकता है। इस तरह की जांच कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ ही सही तरीके से कर सकता है। अगर आप ऐसे किसी भी दर्द से कुछ हफ्तों या उससे भी अधिक अवधि से पीड़ित हों तो बिना और समय गंवाएं, बिना वक्त गंवाएं एक अच्छे डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और कुछ चीज़ों का परहेज करें, जैसे पशुजन्य वसा और प्रोटीन। जी हाँ, सब्जियों जैसे आलू, शिमला मिर्च, बैंगन, लाल और हरी मिर्च, इनका सेवन कम करें। आपके भोजन में उपस्थित सोडियम और नमक सूजन को और पानी के धारण होने की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे घुटनों पर दबाव बढ़ता है और दर्द होने लगता है। योग और व्यायाम करें। जी हाँ, व्यायाम आपके जोड़ों को जकड़न से दूर करता है और गति को आसान करके और दर्द को कम करके आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। आइए इसके लिए योग और व्यायाम के बारे में जान लेते हैं। व्यायाम आपके जोड़ों को जकड़न से दूर करता है और गति को आसान करके और दर्द को कम करके आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। वे व्यायाम जो घुटने के क्षेत्र को राहत देते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं, उनमें से कुछ व्यायामों का नाम जान लीजिए। योगासनों का योद्धासन, तड़ासन, मकरासन और वीरासन, ये वो आसन हैं जिन्हें करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। आराम करें और दर्द बढ़ाने वाली गतिविधियां न करें। बर्फ और गर्म पैड्स लगाएं जो दर्द और सूजन कम करने में सहायक होते हैं। कम करने के लिए, अपना वजन कम करने के लिए अपने घुटने को जितना हो सके उठा कर रखें, इससे आपका दर्द भी कम रहेगा। घुटनों के नीचे या बीच में तकिया रख करके सोएं। ठीक होते समय घुटने को ज़्यादा हिलने डुलने से बचाने के लिए ब्रेस पहने। यदि आपका वजन अधिक है तो उसे कम करें, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े ना रहें। यदि खड़े होने की मतलब संभावना रहती है, खड़ा होना ही पड़े आपको, तो मुलायम गद्देदार जगह पर रहें। दोनों पैरों पर बराबर भार देकर के खड़े रहें, एक पैर पर ज़्यादा और कम नहीं। जब आप सोएं तो करवट के समय घुटनों के बीच तकिया रख दें। अब आइए जान लेते हैं रेयर फैक्टर्स के बारे में जिनका प्रॉब्लमेटिक है और डॉक्टर कहता है कि इसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है। कई बार कार्टिलेज पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई चांस नहीं है, नी ज्वाइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे। जी हाँ, हिप ज्वाइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे, जो भी ज्वाइंट्स हैं इसके लिए बोलते हैं। तो जिनके घुटने निकाल के नया लगाने की नौबत आ गई हो, हिप ज्वाइंट्स निकाल के नया लगाना पड़ रहा हो, उन सब के लिए यह औषधि है जिसका नाम है हरसिंगार। इसके 5 से 6 पत्तों का काढ़ा सुबह के वक्त खाली पेट पीना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। आप कभी भी नी ज्वाइंट्स और हिप ज्वाइंट्स को रिप्लेस मत कराइए। चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर आए और कितना भी बड़ा गारंटी दे, पर कभी भी मत करिए। भगवान की जो बनाई हुई चीज़ है, आपको कोई भी दोबारा बना के नहीं दे सकता है। आपके पास जो है उसको रिपेयर करके काम चलाइए। जी हाँ, आपने देखा होगा और उदाहरण भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी देश के बड़े लोग, मतलब कि जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, वो अपने घुटने का रिप्लेसमेंट करवाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि वो सही ढंग से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम होममेड रेमेडीज़ के द्वारा इनको रिपेयर करें, सबसे बेहतर उपाय यही है। तो आइए आज हम सभी इसी के बारे में जानते हैं कि कौन सी वो औषधि है जिसके द्वारा आप बच सकते हैं। घुटनों में
गैप होना, सबसे पहले तो यह आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट से भी बचा सकता है। इसके बारे में सबसे पहले जानिए कि यह है क्या चीज़। घुटनों में गैप होना, कैल्शियम की कमी होना, इस वजह से भी आपको दर्द होता है। घुटनों की चिकनाहट कम हो जाए तो भी दर्द होता है। असह्य घुटनों का दर्द, विटामिन एवं B12 की कमी, मांसपेशियों का दर्द, संधिवात, आमवात, घुटनों में सूजन आ जाना, विटामिन डी की कमी हो जाना, ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं सिर्फ मात्र इस औषधि के सेवन करने से। जी हाँ, सिर्फ 3 से 6 महीने में आपके घुटने बिल्कुल स्वस्थ करने से, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, कैल्शियम की कमी, यूरिक एसिड और जॉइंट्स रिप्लेसमेंट से बचने इत्यादि को जड़ से समाप्त करने वाला साधारण योग जान लीजिए। इसके लिए आवश्यक सामग्री नोट कर लीजिए, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम गोखरू, 50 ग्राम शतावर की जड़ चाहिए, 50 ग्राम इलायची, 30 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम शंख भस्म, 10 ग्राम स्वर्ण माशिक भस्म, 10 ग्राम गोंदती भस्म, 10 ग्राम कुकुंडांतक भस्म, 10 ग्राम कर्पदीका भस्म, 10 ग्राम ये आपको चाहिए होगा। अब बनाने का तरीका जान लीजिए। कुछ भस्म जो हैं, जैसे कि प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, स्वर्ण माछिक भस्म, गोदंती भस्म, इसके अलावा कुकुंडांतक भस्म, कर्पदिका भस्म वगैरह चीज़ें आपको आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई आयुर्वेद की दुकान से आप ला सकते हैं। ज़्यादातर वैद्यनाथ की भस्म लेने का ही आग्रह रखें और बाकी की सारी औषधियां पंसारी से मिलेंगी। इन सभी 12 औषधियों को खरल करके एक जान कर लें और महीन चूर्ण बना लें, यानी कि एक में इनको सभी को मिक्स कर लेना है। अब सेवन करने का तरीका जान लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह शाम एक एक चम्मच, जिसका वजन कम है वह गुनगुने दूध के साथ नाश्ते के बाद लें, और जिसका वजन ज़्यादा है वो खाने के 30 मिनट पहले गुनगुने दूध के साथ ही सेवन करें, उनके लिए लाभदायक होगा। घुटनों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, आमवात, कैल्शियम की कमी, यूरिक एसिड का बढ़ना वगैरह के नहीं है। यह योग आप किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक के परामर्श के द्वारा उनकी उपस्थिति में बनाएं, क्योंकि औषधियों की मात्रा इस योग की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। इसीलिए इस औषधि को अगर आप गुणी, यानी कि या तो मैंने जो मात्रा बताई है परफेक्ट, इसको आप वो कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, फिर बनाइए, या फिर किसी गुणी या फिर बने हुए से लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा आप इसका प्रयोग निरंतरता के साथ कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि घुटनों के दर्द से मुक्ति मिल जाएगी आपको। ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।